Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to do more question on arrays. So let's get started. So आज का हमारा पहला question है intersection of two arrays. हमें क्या करना है? Intersection करना है दो array के बीच में. देखते हैं question पहले read करते हैं फिर समझते हैं क्या है. So we have given two integers array that is nums1 and nums2. Okay. Return an array of their intersection. Each element in the result must appear as many times as it shows in both arrays and you may not return and you may return the result in any order. So result do not matter, does not matter. Okay. So हमें क्या बोला गया, हमारे पास दो array दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने दे रखा है nums1 एक पहला array है जिसमें चार element पड़े हैं 1, 2, 2, 1. Okay. एक nums2 है जिसमें खाली दो element पड़े हैं 2, 2. तो यार हमें बताना कि दो एरे के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें आउटपुट में प्रिंट कराने हैं. जैसे पहले एरे में मेरे पास कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट है 1, 2, 2, 1. ठीक है. दूसरे एरे में मेरे दो एलिमेंट है 2, 2. तो यार इन दोनों में नम्स वन में एंड नम्स टू में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है जो कि दोनों में आ रहे हो, यानी कि नम्स वन में भी आ रहे हो ये वाले में भी आ रहे हो एंड नम्स टू में भी आ रहे हो ये वाले में भी आ रहे हो. तो यार मुझे तो दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं कि ये वाला 2 इसमें भी आ रहा है और ये वाला 2 इसमें भी आ रहा है. तो हमारा ये एक तो 2 ये हो गया, गुड. दूसरा एलिमेंट 2 ये है जो कि इसमें भी आ रहा है एंड ये वाला इसमें भी आ रहा है, तो ये वाला 2 ये हो जाएगा. ठीक है ना. अरे ये वाला 2 एक बार इसमें काउंट होगा, ये वाला 2 एक बार इसमें काउंट होगा, एक बार ये आ गया ये वाला, फिर ये वाला काउंट एक बार इसमें काउंट होगा, ये वाला 2 एक बार इसमें काउंट होगा, देन ये वाला 2 आ जाएगा. ठीक है. अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नम्स वन में तीन एलिमेंट है दैट इज 495, नम्स टू में हमारे पास फाइव एलिमेंट है दैट इज 94984. ठीक है. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, अब मैं देखूंगा 4, यार 4 ये वाले में है, अब मैं देखूंगा 4 इसमें है. यस yes, इसमें 4 कितनी बार है, नम्स वन में तो 4 एक बार है बट नम्स टू में 4 कितनी बार है, दो बार है, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, बट मुझे खाली एक बार लेना है क्योंकि इसमें तो दो बार है वो, इसमें एक बार है, तो यार कॉमन तो एक ही बार है बिल्कुल. अगर इसमें दो बार होता, जैसे इसमें दो जो है जो टू है वो दो बार इसमें, जैसे मैं आपको बताऊं, सॉरी फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, ये जो टू है ये दो बार नम्स वन में था एंड टू जो है नम्स टू में भी दो बार ही था, इसलिए हमारा जो कॉमन एलिमेंट था टू वो दो बार आ गया. बट इसमें जो फोर है वो नम्स वन में एक बार है और नम्स टू में वो दो बार है, तो कॉमन जो आएगा वो एक ही बार में प्रिंट कराएंगे हम. अब चलते हैं नाइन की तरफ. नाइन एक बार है नम्स वन में बट 9 जो है वो दो बार है नम्स 2 में, तो एक ही बार कॉमन है नम्स 1 और नम्स 2 में, तो एक बार आ जाएगा. अब कराएं, अब देखते हैं 5, तो 5 तो यार इसमें है ही नहीं. ठीक है. अब देखते हैं 8, 8 नम्स 2 में है बट नम्स 1 में नहीं है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 4, 9. काउंट पे भी मैटर करता है, जैसे 4 है नम्स 1 में भी है बट और नम्स 2 में भी है, बट नम्स 1 में जो 4 है वो खाली एक बार है और नम्स 2 में जो 4 है वो खाली दो बार है, तो एक ही बार हम काउंट करेंगे 4 को ना कि दो बार. इसमें दो जो था वो दो बार था नम्स वन में और दो ही बार था नम्स टू में. ठीक है. तो हमने दो दो बार ही प्रिंट कराया. आई होप ये आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा क्या है. इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द एरेज, वी नीड टू फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द एरेज, मतलब जो नम्स वन में भी आ रहा हो और नम्स टू में भी आ रहा हो, जो दोनों में आ रहा हो उनका कॉमन एलिमेंट्स को हमें प्रिंट कराना है, आउटपुट कराना है. तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने दे रखा है यार वेक्टर फॉर्म में हमें आंसर को प्रिंट कराना है. इसमें हमें इन्होंने एक वेक्टर दे रखा है नम्स वन, वेक्टर एरे नम्स वन एंड वेक्टर एरे नम्स टू. ठीक है. अब इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा वो समझते हैं. तो नम्स वन में क्या दे रखा है 1, 2, 2, 1, नम्स टू में क्या दे रखा है 2, 2. तो मैंने यहां बना दिया जिससे आपको थोड़ा आसानी में समझने में क्या, कि नम्स वन तो ये है मेरा. ठीक है जी. उसमें क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है. नम्स टू मेरा ये है, इसमें क्या है 2, 2 है. इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी 0, 1, 2, 3, इसकी क्या होगी 0, 1. तो मैं दो पॉइंटर ले रहा हूं, एक आई है जो कि इनिशियली 0 इंडेक्स पे है नम्स 1 की, एक जे पॉइंटर है जो कि नम्स 2 के 0 इंडेक्स पे है. ठीक है. अब यार छोटी सी बात है, इतना तो कोई भी बता देगा, कॉमन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि नम्स 1 में भी हो और नम्स 2 में भी हो, जैसे 2, 2, ये वाला 2, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम हो जब तो कॉमन होंगे वो, दोनों की वैल्यू सेम हो जब तो कॉमन होंगे वो. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब देखते हैं क्या. सबसे पहले हमने देखा कि i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है. ये अभी आप यहां पर हो, ये वाले पे नम्स 1 में आप इंडेक्स 0 पे हो, नम्स 2 पे आप इंडेक्स 0 पे, तो 1 इज इक्वल टू 2. नो, एक चीज हो रहा है यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो है
इंटरसेक्शन करने के लिए हमें अपना जो एरे है वो सॉर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें अपना एरे जो है वो सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करने के लिए हमें करना क्या है, हमारे पास जो एरे दे रखा था 1, 2, 2, 1, तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिखा। एक सॉर्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है। सॉर्ट का क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन होता है वेक्टर एरे के लिए, वेक्टर एरे के लिए, फॉर वेक्टर एरे, जिससे आप डायरेक्टली अपना जो आपका वेक्टर एरे उसको सॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्ट करेंगे सबसे पहले इसको nums1, जो nums1 ये वाला जो वेक्टर एरे nums1 कैसे होता है, डॉट बिगिन, समझते रहिए, बिगिन कोमा nums1.end, ठीक है। उसके बाद हम सॉर्ट करेंगे किसको, सॉर्ट करेंगे nums2.begin कोमा nums2.end। इससे क्या होगा यार, इससे जो मैंने जब सॉर्ट करा, सॉर्ट करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी तो वो कौन सी आ जाएगी, सॉर्ट करने के बाद अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 2, 1 की जगह क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो यार 1 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। और अगर आप नम्स 2 यानी कि वेक्टर एरे 2 उसको सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर आप सॉर्ट करेंगे क्या आएगा, 2, 2, तो यार ये तो सेम ही रहेगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से ही सॉर्टेड फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो जब मैंने सॉर्ट कर लिया, पहला स्टेप क्या है, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट ये है, जब भी आपको इंटरसेक्शन करना है तो सबसे पहले दो एरे दिए हैं आपको, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, सबसे पहले इन दोनों एरे को सॉर्ट करा दिया, स्टेप फर्स्ट ये है। तो जब आप सॉर्ट कराओगे तो नम्स टू तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, बट नम्स वन में क्या चेंज आएगा, नम्स वन में यार चेंज आ जाएगा, मैं ये रेजर है, यस है, इसमें क्या आ जाएगा यार, इसमें आ जाएगा, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मेरा आ जाएगा यस, ये वाला है दिस, ओके, सो यहां पर आएगा 1 और ये आ जाएगा 1, 1, 2, 2 आफ्टर सॉर्टिंग, समझ रहे हो ना यार, सॉर्टिंग से पहले नम्स वन ये था 1, 2, 2, 1, बट सॉर्टिंग के बाद क्या आ जाएगा 1, 1, 2, 2, तो कितना आएगा 1, 1, 2, 2, नम्स टू पहले भी 2, 2 था, 2, 2 था, एंड सॉर्टिंग के बाद कितना आ गया, सॉर्टिंग के बाद भी 2, 2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं, तो नम्स वन आई किस पे है, आपका जीरो इंडेक्स पे, जे किस पे, आपका जीरो इंडेक्स पे, नाउ स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा भाई कि इंडेक्स आई तो जीरो पे है नम्स वन के, जे जीरो पे नम्स टू के, तो मैंने देखा वन की, वन इज इक्वल टू टू, भाई वन जो है टू के बराबर नहीं है, वन जो है टू के बराबर नहीं है, जब 1 2 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा यार, छोटी सी बात ये, जब 1 जो है ये पूरा एरे सॉर्टेड फॉर्म में, ये वाला भी पूरा एरे सॉर्टेड फॉर्म में, तो 1 और 2 सेम है नहीं, तो हम ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला कौन सा, i वाला, इसको यहां से हटा के इंक्रीमेंट करा देंगे एक बारी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एट इंडेक्स 1, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि यार अगर मैं 2 को आगे बढ़ाऊंगा तो ये तो 1 तो छोटी है, 1 तो छोटी है, समझ रहे हो ना कि 1 की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 2 की वैल्यू कब आ सकती है इस एरे में नम्स 1 में, जब ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले की वैल्यू तो छोटी रहेंगी, 1 से जब आगे जाओगे जब भी 1 से बड़ी वैल्यू के मिलने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है ना, और अगर आपने जे को इंक्रीमेंट कराते और आई को नहीं कराते तो 2 से बड़ी वैल्यू मिलती है, 2 मिलती, और 1 तो हमेशा छोटा ही आएगा, तो आपको जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो दो पॉइंटर थे मेरे, i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0, तो इंक्रीमेंट कौन सा होगा जिसकी वैल्यू छोटी होगी, जैसे 1 और 2 बराबर है नहीं है, तो हमने इंक्रीमेंट करा i को, क्यों, क्योंकि 1 जो है छोटा है, क्योंकि 2 से मैच वही कर सकता है नम्स 1 में आगे की वैल्यू 1 से, जो आगे की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या समझ में आया, पहले एक चीज लिखते हैं, दो पॉइंटर लेंगे हमने, क्या लिए, टू पॉइंटर्स लिए, i कोमा j, तो इनिशियली आई जो है मेरा वो कहाँ है, आई जीरो पे है और जे कहाँ है, जे जीरो पे है, बहुत सही, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये कब तक चलेगा, एक वाइल लूप लगाया, कब तक चलेगा ये, जब तक आई जो है यार, कब तक चलेगा ये, जब तक ये जो आई है ये यहां तक नहीं आ जाता, यहां तक नहीं आ जाता, ठीक है, और ये जो जे है ये यहां तक नहीं आ जाता। तो वेक्टर नम्स वन का साइज कितना है, ये एम दिया है, और नम्स टू का साइज कितना है, एन, अरे ये तो एम तक चलेगा आई, और जे कब तक चलेगा, एन तक चलेगा, जो इसका साइज है नम्स टू का, क्योंकि ये m था वेक्टर 1 का साइज और वेक्टर 2 का साइज था n, तो वाइल i इज लेस देन m, गुड, एंड एंड j इज लेस देन n, जब तक चलेगा, जब तक इन दोनों में से
कब तक चलेगा? जब दोनों ये ट्रू होंगी जब तक ही चलेगा, अगर एक भी फॉल्स हो गया मतलब कि j की वैल्यू n तक पहुंच गई और i आपका यहीं पे है, यहां पर है सपोज, यहां पर है, तो आप while लूप से बाहर आ जाओगे क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना। अभी आगे और समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब तक ये दोनों वैल्यू ट्रू है, एंड एंड का मतलब होता है जब दोनों ट्रू है जब तक ही वो चलेगा, वरना वो लूप से बाहर आ जाएगा while लूप से। तो इस पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि यार इफ नम्स वन ऑफ आई, समझना, नम्स वन ऑफ आई की वैल्यू छोटी है किससे, नम्स टू ऑफ जे से, बहुत ध्यान समझना। अगर नम्स वन, नम्स वन क्या है भाई, नम्स वन की वैल्यू है यहां पर वन, मैंने यार इसमें लिख दिया, मैं भी अलग ही हूं, कोई नहीं, इसमें लिखना था मैं, या ऐसे कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है ना, इंटरसेक्शन की बात चल रही है, मैंने मर्ज सॉर्ट में लिख दिया वो, कोई बात नहीं। तो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने क्या करा, दो पॉइंटर लिए थे, तो मैं कह रहा हूं अगर नम्स वन आई की वैल्यू नम्स टू जे से छोटी है, नम्स वन आई कौन सा है, नम्स वन आई है ये रहा वन, ठीक है, और नम्स टू जे कौन सा है, नम्स टू जे है आपका ये वाला, नम्स टू जे कौन सा है, नम्स टू जे ये वाला, तो वन इज लेस देन टू, इसका मतलब ये है वन जो है नम्स वन ऑफ आई और नम्स टू ऑफ जे है, तो वन इज लेस देन टू, अगर ऐसा है देन क्या करोगे आप, सिंपली आप कर दोगे आई प्लस प्लस, मतलब जो आपका आई पॉइंटर है ये, इसको इंक्रीमेंट करा के कहां ले आओगे, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी वन, आपका आई जो है भी यहां पर होगा, ठीक है, बहुत सही। तो अब फिर से देखेंगे कंडीशन व्हाइल लूप की, व्हाइल लूप क्या कह रहा है कि आई इज लेस देन एम, यस, एंड जे कहां है, जे तो जीरो पे, जे इज, अरे आई वन है तो वन इज लेस देन एम, यस, जे किस पे, जीरो पे, जे इज लेस देन एन, यस, बिल्कुल ठीक है। फिर से चलाएंगे, अब देखेंगे कि जो वन है अभी आपका आई कहां पर है, आई आपका यहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और जे, जे तो यही है, जे क्योंकि बढ़ा नहीं, जे यही है, और आई कहां है आपका वन पे है, और जे कहां है जीरो पे है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब फिर से चेक करेंगे, ये वाला जो वन है, ये वाला जो वन है, ये टू के बराबर है, अरे ये वाला जो वन है ये टू के बराबर है, नहीं भाई, ये वाला जो वन है ये टू से छोटा है, फिर से आई को हटाएंगे यहां से और इंक्रीमेंट करा देंगे टू पे, इंक्रीमेंट करा देंगे टू पे, अभी यही चल रहा है, नम्स वन ऑफ आई अगर नम्स टू जैसे छोटा तो आई प्लस प्लस, तो अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी, आई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो वन टू, टू, टू इज लेस देन एन, और जे कितना है अभी, जे तो हमें अभी जीरो पे ही है, सॉरी ये एम है, एम है, और ये क्या है आपका, जीरो इज लेस देन एन, और यहां पर कितना है एम, अरे चार एलिमेंट है तो चार ले लो, इस एग्जाम्पल के रेफरेंस से आपको समझा रहा हूं मैं, और एन क्या है यहां पर, टू है, तो 2 is less than 4, 2 तो 4 से छोटा है, एंड एंड 0 is less than 2, यस 0 2 से छोटा है तो ट्रू है, अभी क्या है ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है, इसलिए व्हाइल लूप में ही अभी हम हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नम्स वन ऑफ आई, आई कितना है अभी 2 है, नम्स वन ऑफ आई क्या है, नम्स वन ऑफ आई अभी आप यहां पर हो, आई की वैल्यू क्या है अभी, आपकी आई की वैल्यू यहां पर है, ठीक है, इंडेक्स 2 पे, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 0, तो जे कहां है अभी आपका, जे तो 0 पे ही है यानी कि यहां पर है, ठीक है। फिर आपने फिर से चेक करा, आपने कहा नम्स वन ऑफ आई क्या है, अब हमने देखा यार ये जो टू है और ये जो टू है ये क्या है, ये बराबर है, ये जो टू है और ये जो टू है बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एक कंडीशन हो रहेगी, इफ तो ये है, एल्स इफ क्या हो जाएगा, अगर नम्स वन ऑफ आई जो है वो बड़ा है किससे, नम्स टू ऑफ जे से, तो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हो जाएगा जे प्लस प्लस, सेम एज इट इज, ये के जैसे नम्स वन ऑफ आई छोटा था, जैसे यार 1 इज लेस देन 2 था तो i को इंक्रीमेंट कर दिया, बट अगर यहां इसकी जगह होता 1 की जगह 2 और यहां होता 2 की जगह 1 तो क्या करते थे, j को इंक्रीमेंट कर देते, हमने क्या करा, j को इंक्रीमेंट करा, अगर नम्स 2 j में, यानी नम्स 2 का एरे जो उसकी वैल्यू छोटी है, जैसे यहां होता 2 यहां होता 1 तो क्या करते थे, j को इंक्रीमेंट कर देते, i 0 पे रहता, ठीक है ना। बट और थर्ड केस क्या होगा, अगर दोनों की वैल्यू मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है, मैचिंग एम ए मैचिंग वैल्यूज, मैचिंग वैल्यूज, अगर दोनों की वैल्यू मैच कर रही है, मैचिंग वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, जैसे इस केस में भी कहा है, आई जो है आपका इंडेक्स 2 पे है, जे कहा है इंडेक्स 0 पे है, तो क्या हो जाएगा, इसकी इंडेक्स 2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इसकी इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, इसकी इंडेक्स की वैल्यू 2 है, अरे ये भी 2 है, इंडेक्स 0 पे, जे इंडेक्स 0 पे जिसकी वैल्यू 2 है, आई इंडेक्स 2 पे है जिसकी इंडेक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2, यस, तो क्या है कि एल्स, व्हिच मींस ये छोटा है ये बड़ा है, व्हिच मींस अगर सेम है देन क्या हो जाएगा, आंसर डॉट पुश बैक, एक हमने वेक्टर लेंगे आंसर डॉट पुश बैक, उसमें क्या कर देंगे,
नम्स वन ऑफ आई, आई डाल दो जे डाल दो, दोनों की वैल्यू टू ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करेंगे, अपना जो आई पॉइंटर है उसको बढ़ाएंगे और अपना जे पॉइंटर है उसको भी हम क्या कर देंगे, उसको भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे। समझ रहे हो ना, हमने टू और टू सेम आया, हमने आंसर में आंसर जो हमने एक आंसर लिया था आंसर उसमें कितनी डाल दी, उसमें डाल दी टू। नम्स वन ऑफ आई डाल दो या नम्स टू ऑफ जे डाल दो, बात एक है क्योंकि दोनों में टू ही है, कॉमन है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली आई आपका इंडेक्स टू पे था, आई जो है इंडेक्स थ्री पे आ जाएगा, आई किस पे आ जाएगा इंडेक्स थ्री पे आ जाएगा, और जे आपका इंडेक्स जीरो पे था, जे किस पे आ जाएगा इंडेक्स वन पे आएगा। मतलब दो पॉइंटर जब दोनों इंक्रीमेंट करेंगे साथ में, जब वैल्यू मैच करेगी तो सबसे पहले अगर वैल्यू मैच करती है तो पहले स्टेप ये कि आंसर में आपने वैल्यू डाली, उसके बाद दोनों पॉइंटर आई और जे को इंक्रीमेंट करा दोगे एक बारी। आई टू पे था, आई अब थ्री पे आ जाएगा, जे जीरो पे था, अब जे वन पे आ जाएगा, ठीक है जी। फिर से आपने देखा कि इंडेक्स थ्री पे, आई जो इंडेक्स थ्री पे उसकी वैल्यू टू है और जे जो इंडेक्स वन पे है उसकी वैल्यू टू है, तो टू इज इक्वल टू टू, यस। फिर से आंसर में डलेगा टू और आई जो है वो क्या आ जाएगा आपका यहां आ जाएगा, प्लस होके जे जो है आपका यहां आ जाएगा, विच मीन दोनों खत्म हो गए, ठीक है भाई। तो दोनों खत्म हो रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये था एंड एंड का मतलब ये था, अगर एक भी खत्म हो गया हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब ये कितनी ही बड़ी वैल्यू होती है, आई में कितनी ही वैल्यू होते, जैसे 2, 7, 9 कुछ भी होता हमें नहीं फर्क पड़ता, और ये वाला जो है नम्स टू मेरा खत्म हो गया तो आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि दोनों कंडीशन जब ट्रू, जब वाइल में ये वाला और ये ट्रू होगा जब भी वाइल चलेगा, अगर एक भी एरे खत्म हो गया तो आप बाहर आ जाओगे, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या कर दोगे, जस्ट सिंपली रिटर्न मार दोगे आंसर, सिंपली रिटर्न मार दोगे आंसर। तो हमें वेक्टर एरे भी चाहिए, क्योंकि वेक्टर एरे में ही हमें अपना आंसर जो है रिटर्न करना है, तो वेक्टर इंट आंसर लिया। अरे वेक्टर इंट आंसर इसलिए लिया क्योंकि ये जो वेक्टर इंट आंसर इसलिए लिया क्योंकि वेक्टर इंट में ही हमें क्या करना है, आंसर अपना करना है। तो सबसे पहले इसको रन कर लेता हूं मैं और देखता हूं कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, फिर से एक बार देखेंगे कि क्या किया मैंने, क्या हो गया यार ये, व्हाइल आई इज लेस देन, अच्छा, मैंने साइज तो लिखा ही नहीं, वेक्टर नम्स वन का और नम्स टू का मैंने एम एन लगा दिया, मैंने एम एन को डिक्लेयर ही नहीं करा, तो मैंने कहा यार इंट एम क्या है, इंट एम है आपका नम्स वन जो है उसका साइज, ठीक है, कोमा एन जो है वो किसका साइज है, नम्स टू डॉट साइज, समझ रहे हो ना, एम किसका साइज है जो कि वेक्टर एरे वन है नम्स वन, और एन किसका साइज है वेक्टर एरे टू जो कि नम्स टू है। इसको अब रन करेंगे देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये सारे टेस्ट केसेस आई थिंक पास कर रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं, फिर देखते हैं आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। सो जब हमने इसको सबमिट किया तो इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यस एक्सेप्टेड। तो हमने करा क्या यार, एक बार और देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, हमने क्या करा, हमारे पास दो वेक्टर एरे दे रखे थे नम्स वन एंड नम्स टू, तो और हमें इंटरसेक्शन बताना था, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स बताने थे कौन कौन से हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेप है आपने सॉर्ट कर लिया, तो सॉर्ट करके जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, नम्स वन का 1122, नम्स टू का 2.2। उसके बाद हमने दो पॉइंटर लिए आई कोमा जे, आई किस पे है इंडेक्स जीरो पे नम्स वन के, और जे कहां है इंडेक्स जो आई है वो इंडेक्स जीरो पे है नम्स वन के, एक जो जे पॉइंटर है वो इंडेक्स जीरो पे है किसके, नम्स टू के, बहुत सही। एम क्या है, नम्स वन डॉट साइज है, यानी एम की वैल्यू कितनी है, अभी 4 है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, आप देख इस एग्जांपल के रेफरेंस से समझा रहा हूं। एन जो है वो नम्स टू डॉट साइज, यानी कि इसमें इसका साइज क्या है, 2 है। तो मैंने क्या करा, वाइल इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये जब तक आई इज लेस देन एम एंड जे इज लेस देन एन, समझ रहे हो ना, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जब तक ये दोनों ट्रू रहेगा, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो एम से छोटी रहेगी एंड जे की वैल्यू एम से छोटी रहेगी जब तक वाइल लूप में आएगा, और अगर एक की भी वैल्यू ऐसा नहीं है तो आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। मतलब कहने का ये है, आपके पास नम्स वन में कितने बहुत सारे एलिमेंट हैं और नम्स टू में आपके पास बहुत कम एलिमेंट है, और आपका जो जे पॉइंटर है वो यहाँ रीच कर गया और आई पॉइंटर आपका अभी इसमें यहीं रीच कर रहा है सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे क्योंकि हम इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि आप इसमें कितना भी आगे जाओगे इंटरसेक्शन तो मिलने का ही नहीं, क्योंकि ये तो लूप ये वाला जो नम्स टू एरे जो है ये तो खत्म ही हो गया। अरे इंटरसेक्शन दोनों के बीच का तो ढूंढ रहे थे हम, और एक एरे जब खत्म हो गया हमारा तो दूसरे एरे में तो इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, कॉमन सेंस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि भाई इफ अगर वैल्यू सेम है, एल्स का मतलब इसमें क्या है, अगर वैल्यू सेम है देन आंसर में डालोगे और दोनों पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट करा दोगे एक एक बारी, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, बट अगर नम्स वन ऑफ आई छोटा है नम्स टू ऑफ जे से, जैसे इस केस में क्या था कि हमारा जो वन था ये वाला जो वन था ये टू से छोटा था, तो क्या करा आई पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है।
और i++ हो गया। बट अगर ये होता इस केस में होता यहाँ पर 2 और इस केस में होता यहाँ पर 1, तो क्या करते, j पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा देते। सिंपल ये है लॉजिक, और ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। यस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका यूज काफी जगह होता है। ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आगे आपको सॉर्टिंग करवाऊंगा तो मर्ज सॉर्ट एरे, समझ रहे हो ना, जब मर्ज सॉर्टिंग कराएंगे तो मर्ज सॉर्टेड एरे का उसमें बहुत यूज है, उसका यूज है, उसके बिना नहीं होगा। इसलिए आपको ये ध्यान समझना है, और भी क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझें, ध्यान से करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, मर्ज सॉर्टेड एरे। सो इसमें क्या बोला है यार, यू आर गिवन टू इंटीजर्स एरे नम्स वन एंड नम्स टू। ओके, हमारे पास दो एरे दिए हैं और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच मीन जो हमारे दो एरे दिए हैं नम्स वन एंड नम्स टू, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है इस असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें नॉन डिसेंड डिक्रीजिंग का मतलब है दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो एंड टू इंटीजर्स दैट इज m एंड n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स वन एंड नम्स टू। m एंड n क्या है, m जो है नम्स वन का साइज है, कि कितना उसका साइज है, कितने एलिमेंट्स उसमें है, एंड n क्या है, नम्स टू का साइज है। ठीक है, अब इन्होंने दूसरी लाइन में क्या बोला है, मर्ज नम्स वन एंड नम्स टू इन टू अ सिंगल एरे सॉर्टेड नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें क्या करना है यार, दोनों जो एरे दे रखे हैं नम्स वन एंड नम्स टू, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको हमें एक एरे में लगाना है जो कि सॉर्टेड वे में, नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में। मतलब नम्स वन एंड नम्स टू ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, इन दोनों को सॉर्ट करके एक हमें एक एरे बनाना है जो कि नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, सॉर्ट होके, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। दूसरी लाइन में क्या बोला, द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड बी रिटर्न बाय द फंक्शन, बट इंस्टेड ऑफ स्टोर्ड इनसाइड द एरे नम्स वन टू अकोमोडेट This nums1 has length m plus n, where the first m elements denote the element that should be merged and the last n element are set to 0 and should be ignored. Num2 has length of n. इसका मतलब ये जो हमारा final answer आएगा वो nums1 में आएगा, ठीक है ना, इसका simple मतलब ये और कुछ नहीं है। तो जैसे nums1 में इन्होंने final answer जो बोला है nums1 में बोला, इसलिए इन्होंने m plus n ले रखा है nums1 का size, तो उसको आप अभी छोड़ें। अभी आप ये जैसे इन्होंने 1 2 3 0 0 है, बट m की value कितनी है, 3 है, तो इसको आप बोले 1 2 3 माने अभी नम्स वन में, ठीक है ना, ये समझिए आप। तो नम्स वन में जैसे हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, नम्स टू में कितने हैं, 2 5 6। तो आपने ये देखा नम्स वन जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, उन्होंने दे रखा है 1 2 3 सॉर्टेड है, उन्होंने खुद बोला है यहाँ पर कि दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच मीन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। और नम्स टू कितना है, नम्स टू है 2 5 6, ये भी सॉर्टेड में ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसमें जो आउटपुट आएगा, एक एरे बनाना है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में आना चाहिए, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1, सबसे पहले ये वाला बना गया, ठीक है। उसके बाद 2, 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर और यहाँ पर कितना है, 5 है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर देन 5 ये वाला एंड देन ये वाला 6, तो सॉर्टेड में क्या आएगा, 1 2 2 3 5 6। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, मैंने दो एरे लिए, तो ये तो नम्स वन हो गया, ये तो नम्स वन हो गया मेरा, और ये क्या हो गया, नम्स टू हो गया, ठीक है। तो नम्स वन, आई जो पॉइंटर है मेरा 0 इंडेक्स पे, जे जो पॉइंटर है मेरा 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो अगर कोई मैं आपसे पूछूं इंटरसेक्शन का, तो ये था कि अगर दोनों वैल्यू मैच करती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, जब आंसर में डालूंगा। और इसमें क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि भाई जो वैल्यू मेरी छोटी होगी, क्योंकि दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड है, और हमें सारी वैल्यू लेनी है, ऐसी नहीं है कि हमें इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यूज लेनी है, वी हैव टू कंसीडर ऑल द वैल्यूज, हमें सारी वैल्यू जो है कंसीडर करनी है। इंटरसेक्शन में ये था कि खाली हमें जो भी कॉमन वैल्यूज थी, जो भी मैचिंग वैल्यूज थी, हमें वही कंसीडर करनी थी, और कब तक करनी थी, जब तक हमारा कोई भी एरे खत्म नहीं हो जाता। अगर एक एरे खत्म हो गया तो हमें अब बाहर आ जाएंगे व्हाइल लूप से और हम आगे नहीं चलेंगे, ट्रेवर्स नहीं करेंगे। इसमें तो लॉजिक क्या है, इसमें हमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेना, हमें सारी एरे की, जैसे नम्स वन ये है और नम्स टू ये है, तो सारी वैल्यूज हमें कंसीडर करनी है, पहला लॉजिक। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी वैल्यू, जैसे इसमें मैं इंडेक्स 0 पे हूँ जिसकी वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है, इसमें मैं इंडेक्स जे 0 पे हूँ जिसकी वैल्यू है 2, तो यार 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 और 2 में 1 छोटा है, तो आंसर मेरा एक वेक्टर होगा, टेम्पररी वेक्टर है, तो उसमें मैं क्या डालता हूँ, 1 डाल दूँ, और इंडेक्स आई जो है मेरा कहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
जे मेरा क्या रहेगा, जे जीरो पे रहेगा। अब मैंने देखा टू इज इक्वल टू टू, ये क्या है, टू इज इक्वल टू टू, ये दोनों क्या है, ये सेम है, ठीक है। तो मेरा जो लॉजिक रहेगा अभी मैं आपको कराता हूं, फिर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने दो पॉइंटर लिए, ये तो दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर सॉर्टेड नहीं होते तो हमें सॉर्ट करना पड़ता है, इट्स लाइक इंटरसेक्शन में जैसे हमने किया है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है टू पॉइंटर लो, टू पॉइंटर लेने हैं हमें, टू पॉइंटर डेट इज आई कोमा जे। तो इनिशियली आई जो है वो कहां है, जीरो पे है, एंड जे कहां है आपका, जीरो पे। बहुत सही। तो सबसे पहले वाइल लूप लगाया, वाइल आई कब तक चलेगा यार, एम, जो नम्स वन का साइज है एम, तो आई कब तक चलेगा, एम तक, ठीक है। एंड एंड जे कब तक चलेगा, नम्स टू का जो साइज है डेट इज एन। बहुत सही, एन। अब हमने क्या करा, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई, पहला जो है कंडीशन ये होगी, इफ नम्स वन ऑफ आई, अगर वो छोटा है या बराबर है किसके, नम्स टू ऑफ जे के, अगर नम्स टू ऑफ जे के, तो क्या हो जाएगा, आंसर डॉट पुश बैक, बैक में क्या डालोगे, नम्स वन, क्योंकि उससे वैल्यू छोटी है या बराबर है किससे, नम्स टू ऑफ जे से। जैसे कि अभी आई जो है, अभी सारा ध्यान समझना, आई की वैल्यू कितनी है, जीरो, एम की वैल्यू कितनी है, लेट से थ्री, इस एग्जाम्पल के रेफरेंस समझा रहा हूं, तो लेट से एम की वैल्यू थ्री है, ठीक है। एंड एंड जे की वैल्यू कितनी है, जीरो इनिशियली, एंड नम्स टू एन की वैल्यू कितनी है, लेट थ्री दे रखी है, तो थ्री, ठीक है। तो पहले वाइल लूप चेक करो, जीरो इज लेस देन थ्री, ट्रू, जीरो तीन से छोटा है, एंड एंड जीरो इज लेस देन थ्री, यस ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ये क्या देगा, ट्रू ही देगा, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। तो वाइल लूप ओके, आप अंदर आ गए। हमने चेक करा नम्स वन ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम्स टू ऑफ जे, नम्स वन ऑफ आई क्या है, नम्स वन ऑफ आई आपका ये है, जीरो इंडेक्स पे ये है, नम्स टू ऑफ जे, नम्स टू ऑफ जीरो यानी कि जीरो इंडेक्स पे ये, समझ रहे हो ना यार, इनिशियली जो है आप जीरो इंडेक्स पे आई यहाँ पर है, जे इनिशियली यहाँ पर है। तो मैंने कहा नम्स वन ऑफ आई, नम्स वन ऑफ आई क्या है, डेट इज नम्स वन ऑफ जीरो डेट इज वन उसकी वैल्यू, और नम्स टू ऑफ जे डेट इज नम्स टू ऑफ जीरो क्या है, टू। तो वन इज लेस देन टू, इसका मतलब ये है कि आप नम्स वन ऑफ आई क्या है, वन है, लेस देन इक्वल टू मतलब नम्स टू ऑफ जे, जे कितना है, जीरो है, डेट इज नम्स टू ऑफ जीरो क्या है, डेट इज टू। तो वन इज लेस देन टू, यार वन जो है छोटा या बराबर है टू के, हाँ भाई वन तो टू से छोटा है, तो आंसर में क्या वैल्यू आ जाएगी, आंसर में डालोगे आप नम्स वन ऑफ आई, मतलब आंसर में अभी क्या पड़ा हुआ है, आंसर में आप पुश कर दोगे वन। जब आपने आंसर में पुश कर दिया वन, तो आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे, किसका इंक्रीमेंट कर दोगे, आई को, आई जो पॉइंटर है उसको बढ़ा दोगे, आपने आई यानी कि आंसर में भी क्या, आंसर में भी आपने डाल दिया ये वाला वन, वन डाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं है, आई को यहां से हटा देंगे, आई को यहां से हटा देंगे और इंडेक्स वन पे ले आएंगे, इंडेक्स वन पे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करेंगे, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई वन, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू तो जीरो है, फिर से वाइल लूप में चेक करेंगे आप, तो आई क्या हो गया अभी आपका, आई हो गया वन, ठीक है, और जे क्या है, जे तो जीरो ही है, फिर से आपने चेक करा कि वन इज लेस देन थ्री, ट्रू, एंड एंड जीरो इज लेस देन थ्री, ट्रू, तो ट्रू है, विच मीन्स वाइल लूप में ही आप। उसके बाद आपने देखा इसमें जो वैल्यू है एट इंडेक्स वन पे कौन सी वैल्यू है, टू है, एट इंडेक्स जे इक्वल टू जीरो पे कितनी वैल्यू है, टू है, तो क्या है ये, टू इज लेस देन इक्वल टू, तो आपने क्या देखा नम्स वन ऑफ आई पे कितनी वैल्यू आ रही है, टू आ रही है, लेस देन इक्वल टू नम्स टू ऑफ जे, अरे नम्स वन ऑफ आई पे तो टू वैल्यू आ रही है ना यार ये, और इंडेक्स ये जे पे कितनी आ रही है, टू। तो कंडीशन क्या है भाई, लेस देन इक्वल टू, टू इज लेस देन इक्वल टू, टू यस इक्वल टू अभी आ रहा है इसमें, विच मीन्स यस। तो क्या डालोगे आप, अगर ऐसा है तो क्या डाल दोगे, आंसर डॉट, आप जे भी डाल सकते हो और आई भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नम्स वन ऑफ आई के रेफरेंस से ले रहा हूं क्योंकि वो छोटी भी है, तो मैं नम्स वन ऑफ आई डालूंगा यहाँ पर सेम, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि नम्स वन ऑफ आई अगर छोटा है तो वही डलेगा, तो बराबर है तो जब भी वही डलेगा, क्योंकि नम्स वन ऑफ आई और नम्स टू ऑफ जे की वैल्यू सेम है जब वो बराबर आएंगे, ठीक है। तो नम्स वन ऑफ आई डाल दिया और आई को क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया मैंने, आई को क्या कर दिया, प्लस प्लस। तो समझना, अगर नम्स वन ऑफ आई की वैल्यू छोटी आती है या बराबर आती है तो नम्स वन ऑफ आई डालेगा आंसर डॉट पुश बैक में, और आई को आप इंक्रीमेंट कर दोगे, तो टू इज लेस देन इक्वल टू टू, यस, तो आंसर में क्या डाल दोगे आप, टू डाल दिया आपने, गुड। फिर आपने क्या कर दिया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू यहां से कटके, आई की वैल्यू यहां से कटके क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी, आई की वैल्यू यहां से कटके क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी, बहुत सही। और जे की वैल्यू क्या, जे की वैल्यू तो भाई यहीं पे है, जे की वैल्यू क्या यहां पर है। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद फिर से चेक करा, थ्री जो है ये वाला जो थ्री है ये टू, ये जो थ्री है ये टू, तो थ्री जो है टू से छोटा है, नहीं यार ये टू है, ये जो टू है ये क्या है,
ये 3 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, j इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, else, else क्या कह रहा है, else ये कह रहा है कि else हो जाएगा j plus plus, j plus plus कब होगा वो, समझना इस चीज को, j plus plus कब होगा वो, j plus plus जब होगा जब उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, विच मीन्स else का मतलब क्या, else का मतलब ये है कि nums one of i की वैल्यू जब बड़ी होगी किससे, nums two of j से, क्यों, तो nums one of i की वैल्यू जब nums of two से बड़ी होगी, i की वैल्यू क्या है 3 है और j की वैल्यू 2 है, तो आ रहा है बिल्कुल सही है कि 3 जो है 3 is greater than, 3 is greater than 2, yes भाई 3 is greater than 2, तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में खाली j++ कर दोगे आप, j++ जब nums 2 of j की वैल्यू छोटी आएगी तो i जो है वो क्या हो जाएगा, j जो है वो क्या हो जाएगा, पहले 0 इंडेक्स पे था उसकी वैल्यू छोटी आई तो हमने j को यहां पर कर दिया, ठीक है, अब j की वैल्यू 1 हो गई, फिर से चेक करा तो i तो इंडेक्स 2 पे है, j इंडेक्स 1 पे है, ठीक है, फिर से चेक करो व्हाइल लूप में, तो i क्या है, i इज एट इंडेक्स 2 आई थिंक, यस इंडेक्स 2, j इज एट इंडेक्स 1, तो 2 इज लेस देन 3, यस ट्रू, 1 इज लेस देन 3, यस ट्रू, तो व्हाइल लूप में ही अभी आपको, ओके, उसके बाद आपने देखा कि 3 और 5 अब कंपैरिजन होगा 3 का एंड 5 का, तो 3 जो है 5 से छोटा है, यस yes. इसमें आपने देखा 3 यहां आएगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर ऐसा है तो आंसर डॉट पुशबैक में क्या हो जाएगा, आंसर डॉट पुशबैक में हो जाएगा आपका वोट, आंसर डॉट पुशबैक में हो जाएगा आपका आई, व्हिच मींस 3 डाल दिया आपने और आई क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, बहुत सही, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस, व्हिच मींस आई कहां आ जाएगा, आई आ जाएगा यहां पर, यहां पर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने देखा आई तो मेरा खत्म हो गया यहां पर बिल्कुल, तो व्हाइल कब तक चलेगा, व्हाइल जब तक चलेगा जब तक ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई यहां पर 3 और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू तो 1 ही है, तो 3 इज लेस देन 3, नहीं भाई 3 इज लेस देन 3 तो है ही नहीं, 3 तो कम से छोटा है नहीं, तो जब ये आ जाएगा ये तो फॉल्स हो गया, 3 इज लेस देन 3 एंड 1 इज लेस देन 3 ट्रू, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या देता है, ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स देता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई एंड में तो फॉल्स देगा, तो आप क्या कर दोगे यार, व्हाइल लूप से बाहर आ जाओगे, व्हाइल लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब हमारा ये हो सकता है कि फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स रहे हो या शायद दूसरे एरे में रहे हो, जैसे फर्स्ट एरे के तो एलिमेंट कंप्लीट हो गए, हमने कंप्लीटली ट्रेवर्स कर लिया, बट एरे टू के एलिमेंट्स रह रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट रह रहे हैं, 5 और 6, तो हमें नहीं पता किस एरे के रह रहे हैं, तो हमने दोनों में व्हाइल लूप ट्रेवर्स करवाएंगे, व्हाइल लूप फॉर एरे 1 के आई अगर लेस देन एम है, अगर अब भी आई जो है एम से छोटा है तो क्या कर देंगे, इसमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आप क्या कर दोगे यार, कंट्रोल सी, तो आप क्या कर दोगे, आप क्या कर दोगे, ये तो मैंने कमेंट कर रखा था, तो आप क्या कर दोगे आंसर में नम्स ऑफ नम्स वन ऑफ आई डालोगे और आई प्लस प्लस कर दोगे, बट ऐसा हो सकता है कि भाई जे में कुछ एलिमेंट्स रह रहे हो, जे में कुछ एलिमेंट्स रह रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, जे इज लेस देन, जब तक वो एन से छोटा है तो नम्स टू ऑफ जे, ठीक है, एंड दैट इज जे प्लस प्लस। एक छोटी चीज हो रहा है यार, ये नम्स वन ऑफ आई है, इसमें आप कर लीजिए नम्स वन ऑफ आई, ठीक है ना, नम्स वन ऑफ आई, गलती हो रही थी मेरे से, ठीक है। उसके बाद आपने भाई आंसर में क्या आ गया, आंसर में क्या आ गया होगा, 1 2 3 डाला आपने, आई के तो पूरा आपने ट्रेवर्स कर दिया, आप देख रहे हो कि आई जो है आपने पूरा ट्रेवर्स कर लिया, ये रहा, तो जे के रहे होंगे तो ये वाला तो व्हाइल लूप, अब ये वाले व्हाइल लूप पे आओगे तो क्या ये व्हाइल लूप, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 3 थी, एम कितना था, एम की वैल्यू 3 थी, तो 3 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 3, नो, ये क्या देगा, फॉल्स, जब ये फॉल्स देगा तो आप व्हाइल लूप से बाहर आ जाओगे, व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आप आए यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, जे जे कितना है, 1 इज लेस देन व्हाट, 1 इज लेस देन 3, इट विल गिव यू ट्रू, यस ट्रू, यानी कि व्हाइल लूप के अंदर आप आ गए, तो आंसर डॉट पुशबैक में आप क्या डालोगे, नम्स टू ऑफ जे डाल दोगे, नम्स ऑफ, तो आंसर क्या था, आंसर में पहले से ही कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी, 1, 2, 3, अब नम्स टू ऑफ जे, जे किस पे, एट इंडेक्स 1, जे किस पे, एट इंडेक्स 1, देख लो ध्यान से, जे किस पे, एट इंडेक्स 1, और उस पे कौन सी वैल्यू पड़ी, उस पे पड़ी है 5, तो 5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और जे क्या हो जाएगा, जे इंक्रीमेंट होकर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जे आ जाएगा, अब आपका इंडेक्स 2 पे, जे किस पे आ जाएगा, जे आ जाएगा अभी आपका इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 2 पे, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू कितनी हो गई, अब चेंज हो गई 2, तो 2 इज लेस देन 3, यस ट्रू, तो व्हाइल लूप चलेगा, आंसर में क्या डाल दोगे, नम्स टू ऑफ जे, जे एट इंडेक्स 2 की वैल्यू, जे एट इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 6, ठीक है, तो 6 आ जाएगा आंसर में, कोमा 6। उसके बाद जे प्लस प्लस हो रहा है, तो जे प्लस प्लस हो गया, अब कौन सी कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा एट इंडेक्स 3,
तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंक्रीमेंट होगी, तो 3 इज लेस देन 3, नो भाई ये तो अब क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा, अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, आंसर आंसर में कौन कितनी क्या आ गया, 1 2 3 5 6, हमें क्या चाहिए था, 1 2 2 3 5 6, ये एक सेकेंड रुक जाइए, 1 2 2 3 5 6 बिल्कुल सही है, 1 2 2 3 5 6। तो अगर नम्स टू ऑफ जे, तो अच्छा मैंने यहाँ पुश नहीं करवाया, सॉरी ये मेरी मिस्टेक रही है, मैंने आपको बताया नहीं, ये हो जाएगा आंसर डॉट पुश बैक डॉट पुश सॉरी पुश बैक नम्स टू ऑफ जे, समझना, ये जो मेरा ये वाला जो केस था, ये वाला जब मैं इस पे था, जब मैं किस पे था, 2 = 2, अगर 2 और 2 सेम है, अगर 2 और 2 सेम है, तो मैंने क्या करा था, नम्स वन ऑफ आई लेंगे, विच मीन्स आंसर में जाएगा 2, 1, 2, यानी कि नम्स वन का, यानी ये वाले एरे का, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें कौन सी वैल्यू है, इसमें वैल्यू 3 है अभी मेरी, और ये वाला जो जे है, जो है जे किस पे है, जे आपका 0 पे ही है, जे किस पे है, 0 पे ही है, जे किस पे है आपका 0 पे ही है, उसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 2, और ये 3 वैल्यू है, ये 2 है। अभी मैंने कहा नम्स 2, एल्स का, इसमें एल्स का मतलब ये है कि नम्स 1 ऑफ आई अगर नम्स 2 ऑफ जे से छोटा है, विच मीन्स नम्स 1 ऑफ आई क्या है, 3, और ये 2 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, उस केस में क्या होगा, नम्स 2 जो है वो आंसर में डलेगा, मतलब 1, 2, 2, ये जो 2 है ये वाला पुश हो जाएगा इसमें, समझ रहे हो ना, अगर छोटा है, अगर वो छोटा है नम्स 1 से, अगर नम्स 2 छोटा है, तो आंसर में क्या डलेगा, नम्स 2 ऑफ जे, और जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका, जे प्लस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1, 2, तो आंसर में क्या डल जाएगा, अभी आंसर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, 2, 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, समझ रहे हो ना। उसके बाद हम कॉपी करेंगे, कॉपी किस में, जो आंसर की वैल्यू थी, आंसर की वैल्यू क्या है अभी, 2, 2 है, क्योंकि हमें 1 में ही, एरे 1 में पुश करनी है सारी वैल्यू, तो int i 0 से लेकर i is less than answer dot size, जो भी उसका साइज है, then i plus plus, सही है। उसके बाद क्या कर दोगे, जो आपका nums 1 of i था, उसमें आपने कौन सी वैल्यू डाल दी, that is answer of i की वैल्यू डाल दी आपने, सारी जो भी वैल्यूज थी, इसको मैं हटाता हूं अभी, और अगर मैं वेक्टर एरे, तो मैंने शायद ले लिया था इसमें, लेट मी चेक, वेक्टर एरे भी मैंने अभी नहीं लिया, वेक्टर एरे का मतलब ये है, मैं वेक्टर एरे लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक टेम्प्रेरी एरे लेना था, जो कि मैंने जिस टेम्प्रेरी को मैंने आंसर के नाम से नेम दिया, इसको एक बार और देखेंगे, जिसको अभी डाउट है इसको सबमिट करके देखते हैं कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर आपको दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया इसमें, बिल्कुल ये एक्सेप्ट हो गया है, एक्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो यार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यार 2 एरे दिए थे जो कि सॉर्टेड थे, पहला एरे था 1 2 3, ठीक है, दूसरा एरे था 2 5 6, हमें बताने थे यार ऑलरेडी सॉर्टेड थे, तो हमें एक एरे, एक ऐसा एरे चाहिए था आउटपुट में, जो कि दोनों एरे के जितने भी एलिमेंट्स है वो ले, और उन एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में वो रखे। तो हमने दो पॉइंटर लिए, आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल 0, तो आई इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, जे इज इक्वल टू 0 अभी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जब तक चलेगा जब तक i is less than m and j is less than m है। तो मैंने क्या करा, पहली कंडीशन ये है, अगर nums 1 of i यानी कि जो एरे है 1 उसकी वैल्यू छोटी है या बराबर है nums 2 से, तो आंसर में वो nums 1 जो है वो जाएगा और i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे इस केस में 1 है और इस केस में 2 है, तो 1 is less than equals to 2, yes 1 तो 2 से छोटा है, तो i की वैल्यू कहां हो जाएगी, i की वैल्यू आ गई 2 पे, और j की वैल्यू अभी 2 पे ही रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर में क्या पुश हो गया, आंसर में पुश हो गया 1, ठीक है, और i की वैल्यू कितनी हो गई, i इंडेक्स 1 पे आ गया, j इंडेक्स 0 पे, अभी j इंडेक्स 0 पे है, i प्लस प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स i किस पे, इंडेक्स 1 पे, j इंडेक्स 0 पे है, i तो भाई आपका इंडेक्स 1 पे है, j इंडेक्स 0 पे है। फिर से आपने चेक करा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 जो है, 2 जो है 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यस, अगर ये भी है तो जब भी nums 1 आंसर में क्या जाएगा, nums 1 ऑफ i यानी कि 2, nums 1 of i क्या है, nums 1 of i ये है यानी कि 2, ठीक है। तो 1, 2 है, तो i प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इंडेक्स 2 पे आ जाएगी जिसमें वैल्यू 3 पड़ी है, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, बिल्कुल सही, और j 0 ही रहा। उसके बाद आप कहां हो, आप यहां पर हो 3, और इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, 3, और j इंडेक्स 0 पे है जिसकी वैल्यू 2 है, तो मैंने देखा यार 3 इज ग्रेटर देन 2, मैंने क्या करा, nums 1 of i जब बड़ा होगा, व्हिच मींस nums 2 की वैल्यू जब छोटी होगी, तो nums 1 of i में कितनी वैल्यू पड़ी है, 3 पड़ी है, अरे 3 है यार,
जो कि ग्रेटर देन 2 है, उस केस में क्या हो जाएगा, आंसर में क्या जाएगा, नम्स 2 ऑफ जे जाएगा। मतलब आंसर में मेरा क्या पड़ा हुआ था, आंसर में मेरा 1, 2 तो यहां से पड़ा हुआ था, पहले डाल दिया मैंने, अब क्या जाएगा नम्स 2 आंसर में, क्या जाएगा आंसर में जाएगा नम्स 2, 2 ऑफ जे, यानी कि ये वाली वैल्यू 2 जाएगी, तो आंसर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर दोगे, जे प्लस प्लस कर दोगे, तो अभी क्या हो गई जे की वैल्यू, जे आ गया 1 पे, जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू हो गई 1 पे, जे की वैल्यू हो गई 1 पे। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 3 एंड 1 इज लेस देन 3, ट्रू चल रहा है अभी, तो बिल्कुल सही बात है। फिर आपने क्या करा, अभी आप कहां हो, ये तो यहां पर है और ये यहां पर है। ठीक है, उसके बाद आपने, अरे अभी आई तो इंडेक्स 2 पे है और जे इंडेक्स 1 पे है, तो आपने 3 और 5 को कंपेयर करा, तो 3 जो है मेरा वो क्या है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, तो आंसर में क्या जाएगा 3 जाएगा, क्यों, क्योंकि नम्स 1 और 5 जो है छोटा है, तो 1, 2, 3 और आई प्लस प्लस होके कहां आ जाएगा, आई प्लस प्लस होके वो जो है लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि m की साइज जो है 3 है, ये 0, 0, 0 को कंसिडर मत करो, आपका कहां जाएगा आई, आपका आई यहां पर आ जाएगा प्लस होके, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3/3, 3, और जे क्या है, जे तो हमारा 1 है, तो 3 इज लेस देन 3 फॉल्स है, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, तो आप ये वाले वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। अब यार हमने फर्स्ट एरे के तो एलिमेंट ट्रेवर्स कर लिए, बट सेकंड एरे के ट्रेवर्स करने बाकी हैं। ठीक है, तो दोनों केस पॉसिबल है, ऐसा हो सकता था कि सेकंड एरे के ट्रेवर्स हो गए पूरे बट फर्स्ट एरे के नहीं हुए, तो इन डेट केस हमने दोनों का लिया कि वाइल जब तक आई इज लेस देन एम है, तो आंसर में नम्स 1 और 5 पुश करो और आई प्लस प्लस, लेकिन हमने देखा कि भाई आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 इज लेस देन 3, नो फॉल्स, तो फॉल्स है क्योंकि आई ट्रेवर्स, हमने नम्स 1 आई जो भी एरे 1 है, यानी कि वाला जो एरे है जिसमें तीन वैल्यू दे रखी है हमने ट्रेवर्स कर ली है, तो हमने ट्रेवर्स करना नहीं है इसको। अब हम आए इसमें, तो हमने देखा भाई इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 1, क्योंकि जे कितनी थी, जे की वैल्यू थी 1, आपने देखा। ठीक है, तो 1 इज लेस देन 3, ट्रू, तो नम्स 2 में क्या आ जाएगा, जो इंडेक्स 1 पे पड़ा होगा 5, तो हमने देखा 1, 2, 2, 3 तो 3 था, ये 3 आपने 8 तक डाल दिया था, इसके बाद क्या आ जाएगा, नम्स 2 ऑफ जे, फिर जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, फिर जे किस पे आ गया, इंडेक्स 2 पे, तो 2 इज लेस देन 3, अब भी ट्रू है, वाइल लूप में जाओगे, नम्स 2 ऑफ जे, जे एट इंडेक्स 2, दैट इज 6, एट इंडेक्स 2 क्या है, 6 है, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस होके क्या, एट इंडेक्स 2 सॉरी 2, फिर जे पूरा बाहर आ जाएगा, तो वाइल लूप आपने पूरा चला लिया। उसके बाद आंसर में क्या वैल्यू पड़ी, आंसर में ये वाली वैल्यू पड़ी है, बट एज पर क्वेश्चन उन्होंने बोले नम्स 1 ऑफ एरे में डालोगे और आपको जब ही रिटर्न करना है, तो इसलिए हमने कॉपी करी, ये कौन सा मेथड है, ये कॉपी कर रहे हैं हम, कॉपी वैल्यूज फ्रॉम आंसर टू 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 नम्स 1, इसलिए नम्स 1 की जितनी भी वैल्यू, नम्स आंसर की जितनी भी वैल्यू थी वो नम्स 1 में डाल दी और हमारा आंसर आ गया। तो यार आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यार इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पीसी की जो बैटरी है वो लो रही है। ठीक है, वरना मैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन कराता, नेक्स्ट टाइम ये जरूर कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, आई होप ये आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।